हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता। इस वीडियो में हम सीखेंगे टूल बॉक्स में दिए गए सारे टूल्स का यूज। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए हुए नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट होता है। इसी तरह सर्कल टूल सिलेक्ट करेंगे। सर्कल टूल सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए नीचे को ड्रैग करते हैं तो हमारा ये सर्कल क्रिएट होता है। इन्हें कैसे भी ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये देखिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये सारा हम कर सकते हैं। जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। आप यह लिमिटेशन मत लगाएं कि हमें ऐसे ही बनाना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उसके चारों तरफ पॉइंट बनकर आता है। जैसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ये देखिए इसके चारों तरफ पॉइंट बनकर आते हैं। इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें कलर फिल करेंगे तो यहाँ कलर पैलेट में जाकर जो कलर आपको फिल करना है उस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। ये हमारा कलर फिल हो गया। अब हमें इसमें आउटलाइन डालनी है, तो आउटलाइन के लिए यहाँ कलर पैलेट में जिस कलर की भी आउटलाइन लेनी है उस पर माउस का राइट क्लिक कर दीजिए। ये हमारा आउटलाइन इस पर आ चुकी है। आउटलाइन को मोटा या पतला करने के लिए यहाँ पर ये आउटलाइन विथ दी हुई है, यहाँ पर इस पर त्रिकोण पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलकर आती है। आप जितनी मोटी आउटलाइन लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आउटलाइन मोटी हो गई। ये देखिए, अगर आप इसका कलर और आउटलाइन एक साथ बदलना चाहते हैं, जैसे कि ये कलर और आउटलाइन अगर आप साथ में इसका बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आउटलाइन पेन टूल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आउटलाइन पेन या कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो हमारा ये आउटलाइन पेन का बॉक्स खुलकर आ जाता है। इसमें ये कलर दिया हुआ है, यहाँ से अपन कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ कलर येलो ले लिया है। यहाँ इसकी विड्थ दी हुई है, आप यहाँ ले लीजिए जितना आपको लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ विड्थ आपको किस में लेनी है, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, जिसमें भी आप लेना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पॉइंट्स में ली हुई है। उसके बाद यहाँ स्टाइल दी हुई है लाइन की, कि आप पॉइंट वाली लेना चाहते हैं, डॉटेड वाली लेना चाहते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके। ये देखिए, हमारी आउटलाइन का कलर चेंज हो गया है। अब सेम प्रोसेस यही सर्किल के साथ है। सर्किल में आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे ये कलर फिल हो जाता है। आउटलाइन के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, ये हमारी आउटलाइन आ जाती है। यहाँ से जाकर आउटलाइन पेन में जाकर ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इससे आप आउटलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ से आप आउटलाइन की विड्थ बढ़ा लीजिए, यहाँ से आउटलाइन की स्टाइल चेंज कर लीजिए और फिर ओके करते हैं। ये देखिए, ये सारी चेंजेस हो चुकी हैं। अब हम इस रेक्टेंगुलर का रिसाइज करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करते हैं तब ये चारों तरफ पॉइंट बनकर आते हैं। इन पर आप माउस को ले जाएंगे तो माउस का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। आप इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगुलर का साइज बड़ा होगा। ये देखिए, बड़ा हो गया। अगर इसी को अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये साइज छोटा हो जाता है। जब हम इसको रिड्यूस या लार्ज करते हैं तो ये हमारा प्रोफेशनली वर्क करता है। जैसे कि ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे बड़ा करते हैं ऊपर की तरफ ड्रैग करके तो ये प्रोफेशनली बड़ा होता है। ये एक्चुअल साइज में बड़ा और छोटा होता है, ना तो ये लेफ्ट से ज़्यादा बड़ा होता है ना अप से ज़्यादा बड़ा होता है, ये प्रोफेशनली वर्क करता है। ये देखिए, अगर हम यहाँ बीच से पकड़ के अगर इसको बढ़ाते हैं तो इसके साइज में फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, माउस को जब हम सेंटर में लाते हैं और फिर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो
इसको मूव कर सकते हैं, इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पर मूव करवा दिया, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारा मूव हो जाएगा सही सर्कल में। ये बीच में माउस को क्लिक करते हैं और फिर इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं आप। ये देखिए, पेज के बाहर भी रख सकते हैं, पेज के अंदर भी रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मूव होता है। ये सर्कल को भी रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ये छोटा हो गया। ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ ऊपर से सेंटर से अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए, ये इसके साइज में, ये देखिए ओवल बन गया, ये सर्कुलर नहीं रहा अब। ये देखिए, अगर हम इसको और ऊपर ले जाते हैं, देखिए ये ओवल बन गया ये। और अगर हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए, इसके शेप में कोई फर्क नहीं आएगा, बस साइज इसका छोटा बड़ा होता रहेगा। देखिए, ये साइज इसका छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर ये साइज छोटा हो गया नीचे को ड्रैग किया तो। ऐसे करने से ये हमारे शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ साइज इसका रिड्यूस और इंक्रीज होता है। जैसे भी आप करना चाहें, जिस तरह से भी इसको रिसाइज करना चाहें, मूव करना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे हम टेक्स्ट टूल के बारे में। तो यहाँ पर टूल बॉक्स में आकर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट टाइप हो गया। टेक्स्ट टाइप करते हैं, जब एंटर की प्रेस करते हैं तो ये एक न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। एंटर की प्रेस करने से एक न्यू लाइन बनती है। ये देखिए, एक न्यू लाइन बन गई। हमारे पास यहाँ चार लाइन दी हुई है, हमने चार लाइन टाइप की है। पहली लाइन में 3 वर्ड्स हैं, दूसरी लाइन में 1 है, तीसरी लाइन में 1 है और चौथी लाइन में भी 1 वर्ड है। हर वर्ड कैरेक्टर से बनता है। ये जो वर्ड हैं, हर वर्ड एक एक कैरेक्टर से बनते हैं। जैसे ये जोन लिखा हुआ है, तो यहाँ Z O N E, ये कैरेक्टर से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, जोन। अब हम शेप टूल लेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाके शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं, या कीबोर्ड से F10 की को प्रेस करते हैं तो ये हमारा शेप टूल आ जाएगा। शेप टूल क्या करता है, ये जो एरो बने हुए हैं इस पर क्लिक करके और ये नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए, हर लाइन के बीच में एक स्पेस बढ़ रहा है। और अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये स्पेस कम होता चला जाएगा। ये देखिए, हमारा स्पेस यहाँ से बढ़ रहा है। और यहाँ वाले एरो से अगर हम इस पर क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ता है। ये देखिए, कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। अगर हम इसको क्लिक करके पीछे की तरफ लाएंगे तो ये कैरेक्टर के बीच में स्पेस कम होता चला जाएगा। ये देखिए, स्पेस कम हो गया। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके और इस वाले एरो पर क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये वर्ल्ड के बीच में स्पेस देता है। और बिना शिफ्ट के अगर हम इसको करते हैं तो ये हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस देता है। और अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये वर्ल्ड के बीच में स्पेस देता है। देखिए, एक एक वर्ड के बीच में स्पेस दिया इसने। अब हमने ये जो मेटल लिखा हुआ है, इसमें से हम चाहते हैं ये जो SS वर्ल्ड जोन के बीच में ये जो वर्ड है वर्ल्ड, इसको हमें बोल्ड करना है और इटैलिक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ वर्ल्ड के जस्ट बगल में क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए लेफ्ट साइड ड्रैग करते हैं और ये छोड़ देते हैं। ये हमारा वर्ड अकेला सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है बोल्ड, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल बी कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा, या फिर यहाँ पर माउस से बी पर क्लिक कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बगल में दिया हुआ है इटैलिक, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए इटैलिक हो जाएगा, या कीबोर्ड से कंट्रोल आई कर दीजिए तो इटैलिक हो जाएगा। ये देखिए, इटैलिक हो गया है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो फिर वही करेंगे, सिलेक्ट टूल, टेक्स्ट टूल लेके यहाँ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं इसका। ये देखिए, कलर चेंज हो गया। हमें इसमें आउटलाइन डालनी है,
तो टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और कलर्स में जाके जिस भी कलर की आउटलाइन लेनी है उस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी। अब आती है बात सिलेक्शन टूल की। इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया या पिक टूल। अब हमें ये ओवल को सिलेक्ट करना है तो हम सिर्फ इस पर एक क्लिक करते हैं। ये देखिए चारों कोनों में एक पॉइंट बनकर आ गए हैं ये चारों कोनों में, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही रेक्टेंगुलर पर इस पर क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट क्लिक हो गया। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ टेक्स्ट के अंदर के पार्ट पर काम करता है, ना कि ये ऑब्जेक्ट पर काम करेगा। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट पर नहीं करेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तब ये ऑब्जेक्ट पर काम करता है, अदरवाइज अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये टेक्स्ट पर ही काम करेगा। अगर हमें टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करनी है या आउटलाइन अगर डली है पहले से तो चेंज करनी है और नहीं डली है तो आउटलाइन डालनी है, तो उसके लिए सिलेक्शन टूल काम नहीं करेगा। उसके लिए टेक्स्ट टूल पर जाकर इसको ये सिलेक्ट करके फिर यहाँ से आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रही है आउटलाइन। आउटलाइन अगर नन करनी है कलर पैलेट के ऊपर ये क्रॉस बना हुआ है इस पर क्रॉस कर दीजिए, ये हमारी आउटलाइन नन हो गई। इस तरह से आपने जाना कि ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन और टेक्स्ट का सिलेक्शन डिफरेंट है। अब ये देखिए जैसे कि हमें अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो या तो हम यह जो ऑब्जेक्ट के बाहर से लेफ्ट क्लिक करके ये ड्रैग करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस सिलेक्शन के अंदर आते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये हमारा मल्टीपल सिलेक्शन कहलाता है। अगर हम इसको पर्सनली सिलेक्ट करेंगे तो पहले तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे ओवल पर, ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाए तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ओवल के साथ टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर भी सिलेक्ट हो जाए तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को फिर से प्रेस करेंगे और यहाँ रेक्टेंगुलर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हमें ओवल नहीं लेना है तो शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद फिर ओवल पर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन उसका छूट गया, अब वो सिलेक्शन से बाहर हो गया, अब सिर्फ यहाँ टेक्स्ट और रेक्टेंगुलर पर ही सिलेक्शन बचा हुआ है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के बाहर से क्लिक कीजिए और इन सबको सिलेक्शन के अंदर लीजिए और फिर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए, ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। ये देखिए सब सिलेक्ट हो गए। अगर हम यही चीज़ यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हुए और इन सबको कवर करते हैं, देखिए इन सबको कवर किया, सिर्फ ये वाला जो सर्कल था वो पूरा नहीं आया था, तो देखिए ये वाला सर्कल सेलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि अगर ड्रैग करके मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो जो भी ऑब्जेक्ट लेना है उसके बाहर तक ड्रैग करना है तभी ये सिलेक्ट होंगे सारे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसी तरह से मैनिपुलेशन करके हम अपने वर्क को और स्पीड अप कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि ये कैसे होता है। आइए अब सीखते हैं जूम टूल को, जूम टूल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ टूल बार में ये जूम टूल दिया हुआ है, जैसे ही जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बार में इसकी सारी सूचना दी होती है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी बार है हमारा, हमने जूम टूल को सिलेक्ट किया तो ये देखिए इसकी सूचना यहाँ पर दिखाई देने लगी है। सबसे पहले ये प्लस का है, प्लस के लिए कीबोर्ड से F2 को प्रेस करते हैं, या तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए माउस से या कीबोर्ड से F2 को प्रेस कर दीजिए। देखिए ये हमारा जूम हो गया। और माइनस के लिए है F3, ये यहाँ पर माइनस का है जूम आउट करने के लिए, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F3 कर दीजिए तो ये जूम आउट हो जाएगा। देखिए ये जूम आउट हो रहा है और यहाँ जूम इन हो रहा है, ये आउट
ये इन, ये आउट, ये इन, ठीक। अब ये दिया हुआ है जूम टू सिलेक्टेड, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट इसमें जो दिए हैं वो सारे जूम होकर दिखेंगे। तो ये होता है शिफ्ट F2 से, या तो अब इस पर क्लिक कर दीजिए, ये जितने भी पेज पर ऑब्जेक्ट थे वो सारे जूम हो जाएंगे, या कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए तो ये सारे जूम हो जाएंगे। नेक्स्ट है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब है आपके यहाँ पेज पर जितने ऑब्जेक्ट हैं और पेज के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उन सबको जूम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारा पेज, अब इसमें ये दिया हुआ है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं पेज पर और पेज के बाहर वो सारे जूम करके दिखाएगा एक साथ। अब है जूम टू पेज। जूम टू पेज का मतलब है कि हमारा जो पेज है वो पूरा जूम करके दिखाएगा। जैसे कि ये हमारा पेज है इतना, वो ये पूरा जूम करके दिखाएगा। तो जैसे कि ये है इधर, हम अगर इस पर जूम टू पेज या कीबोर्ड से शिफ्ट F4 करते हैं तो देखिए ये हमारा जो पेज था उसने वो पूरा जूम करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है इसका जूम टू पेज विथ। जूम टू पेज विथ का मतलब है जितनी भी इस पेज की विथ है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा जूम करता है। ये देखिए पेज की विथ के अकॉर्डिंग उसने ये पूरा जूम कर दिया जितनी उसकी विथ थी। और ये है आपका जूम टू पेज हाइट। इस वाले ऑप्शन में जो हाइट है पेज की उस अकॉर्डिंग ये जूम करके दिखाता है। ये देखिए पेज की हाइट इतनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो उसने ये पूरा जूम करके दिखा दिया है। अब हम जानेंगे डेस्कटॉप एरिया क्या होता है। ये देखिए ये तो हमारा ये पेज हो गया, ये वाला ये पेज है। पेज के बाहर जो भी एरिया है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप इस तरह से ट्रीट करता है जैसे आपने कोई किताब मेज पर खोल कर रख दी हो। किताब के ये पेज है और ये जो बाहर हिस्सा है वो मेज पर, ये मेज का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जैसे कि ये किताब है, किताब पर ये पेज है, अपन इसको रीड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से मेज पर ये कोई सामान रखा हुआ है, अगर ये सामान उठाकर हम यहाँ पेज पर रख दें तो ये सिर्फ हमें पेज पर दिखाई देगी। जैसे कि ये यहाँ से हम पेज को बढ़ाते हैं, ये देखिए ये हमने पेज को बढ़ाया, ये यहाँ पर हम पेज नंबर 4 पर हैं तो यहाँ पेज हमारा ब्लैंक है। और ये जो मेज पर, जो मेज मतलब डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऐसे ही थर्ड पेज पर, थर्ड पेज पर भी मेज, पेज पर कुछ नहीं है और यहाँ डेस्कटॉप पर ऑब्जेक्ट है। अब हम आते हैं फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पर ये देखिए पेज पर हमें कई सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं और डेस्कटॉप पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पेज पर जितना भी वर्क करते हैं हम वो हमें नेक्स्ट पेज पर नहीं दिखाई देता है। अगर डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है कहीं तो वो अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो वो हमें शो होता है। तो इस तरह हमने समझा डेस्कटॉप पेज क्या होता है। अब हम जानेंगे इसमें फ्री हैंड टूल के बारे में। फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे एक प्लस का पॉइंट बनकर आता है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से हम ये जहाँ भी इसको ड्रैग करते हैं नीचे ऊपर और फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये उतनी लाइन बन जाती है। एक फ्री हैंड टूल से एक लाइन बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया, अगर हम इसको आगे तक ले गए, ये देखिए हल्की सी टेढ़ी हो रही है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी और आपका माउस कहीं भी घूम जाए, देखिए ये बिल्कुल सीधी जाएगी, देखिए ये सीधी जा रही है। और फिर अपन क्लिक करेंगे तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, और अगर बिना माउस के करेंगे आप तो ये हल्की टेढ़ी हो जाती है, ये देखिए हल्की टेढ़ी हो रही है। तो इसलिए कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देती है। ये होता है हमारा फ्री हैंड टूल। ये हमारा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल में आपको सर्किल मिलता है। पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल से हमारे ये ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं। ये देखिए अगर ये देखिए ये एक त्रिकोण बना हुआ है, अगर हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे
ये जितने भी छुपे टूल्स हैं वो सारे शो होने लगेंगे। अब ये देखो पॉलीगन तो देख लिया, अब ये स्टार है, स्टार पर क्लिक करते ही ये देखिए एक स्टार बनकर आ जाएगा। अब ये देखिए अगर हम माउस को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये स्टार का शेप बिगड़ रहा है। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो स्टार का शेप चेंज नहीं होगा। स्टार जिस शेप में होता है वो उसी में ही दिखेगा। जैसे देखिए कंट्रोल की हमने प्रेस की और यहाँ से हमने ड्रैग करना स्टार्ट किया तो ये देखिए इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका साइज लार्ज और रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए अब ये आता है हमारा बेसिक शेप टूल्स। बेसिक शेप टूल्स पर अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये बहुत सारे टूल्स देता है, इसमें अलग अलग शेप्स हैं। जैसे ये बेसिक शेप टूल है, इसमें ये देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट शेप्स में, इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं ये टूल्स शो होते हैं। ये देखिए ये शेप है, ये त्रिकोण है, ये हमारा प्लस का साइन है, ये हमारा हार्ट का साइन है, ये सारे इसमें छिपे हुए हैं। अब हम देखते हैं कलर आई ड्रॉप टूल को। कलर आई ड्रॉप टूल का मतलब है जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम रेक्टेंगुलर टूल्स, रेक्टेंगुलर में एक कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे हमने इसमें किया है ब्लू कलर और हमने यहाँ पर इसका कलर डार्क किया। और हम चाहते हैं कि यही कलर इस वाले ऑब्जेक्ट में भी आ जाए तो यहाँ से कलर आईड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वाले ऑब्जेक्ट पर लाकर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ देखिए ये वाला कलर उसने ले लिया है सैंपल में। अब जिस भी ऑब्जेक्ट पर इसको कलर करना है उस पर जाके एक बार क्लिक कर दीजिए, ये देखिए सेम कलर वहाँ हो गया। यही कलर अगर हमें हार्ट में करना है तो एक बार क्लिक कर दीजिए इसमें हो गया, इस वाले पर करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए इसमें हो गया। तो आई ड्रॉपर टूल से सैंपल लिए जाते हैं कलर के। ये देखिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ये चारों कोने हैं ये बिल्कुल शार्प हैं। अगर हम इस कोनों की शेप चेंज करना चाहते हैं तो हमें ये शेप टूल लेना होगा, शेप टूल या कीबोर्ड से F10 की प्रेस करनी होगी। तो शेप टूल को जैसे ही क्लिक करते हैं इसके चारों कोनों में एक पॉइंट बनकर आते हैं, चारों कोनों में अलग अलग। अगर हम इन चारों कोनों को सिलेक्ट किए हुए एक साथ क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो ये देखिए चारों का एक साथ साइज चेंज होता है। ये देखिए ये इसका साइज चेंज हो गया। और अगर हम किसी एक को करना चाहते हैं तो किसी एक पर क्लिक करके छोड़ दीजिए तो सिर्फ यही वाला सिलेक्ट है, और अगर हम इसको पकड़ कर नीचे को ड्रैग करते हैं तो सिर्फ एक ही कोने का साइज शेप चेंज होगा। ये देखिए अगर हम इस कोने को करना चाहते हैं तो इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक किया इसके बाद इसको पकड़ कर नीचे की तरफ लाए, ये देखिए इसका भी चेंज होता है। शेप टूल का यूज इसमें करते हैं। अब जानेंगे हम क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल क्या करता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अब हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से पकड़कर इतना ड्रैग कर दिया, सिलेक्ट कर लिया इतने को, और हम बीच में आकर इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना हिस्सा हमारा क्रॉप हो गया, जैसे कि ये है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं ये देखिए क्रॉप हो गया सारा। अब ये आता है नेक्स्ट टेबल टूल के बारे में। टेबल टूल से क्या होता है, ये एक टेबल बनाता है। जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो ये देखिए एक टेबल बनाता है। इसमें कितनी रोज हैं अभी, 1 2 3 4, चार ऐसे में हैं और 1 2 3 3 ऐसे में हैं। तो देखिए इसके जो रोज को चेंज करने के लिए यहाँ दिया हुआ है रोज एंड कॉलम का, रोज इसमें 3 है तो ये देखिए 1 रो 2 रो ये 3 रो, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने इसको कर दिया 5 तो ये 5 रोज में आएगा,
और ये है हमारा कॉलम। अगर हम इसको, ये देखिए, 1 2 3 4 कॉलम है, अगर हम इसको बढ़ाकर 7 करते हैं तो ये 5 रोज और 7 कॉलम्स में आएगा। यहाँ देखिए, हमने इसको लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग किया नीचे की तरफ, ये बन गया हमारी एक टेबल, इसमें 5 रोज और 7 कॉलम्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम्स बन गए। ये होता है हमारा टेबल टूल। अभी तक हमने जाना है इन सारे टूल्स के बारे में, और भी जो टूल्स हैं उनकी जानकारी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके।